आगे देखेंगे एक्सप्लोसिव कंबशन क्या होता है. जनरली देयर इज इंटरनल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर. जनरली क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन और एयर की इंटरनली सप्लाई होती है. बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर, अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे. बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर वेयर इट इज इमीडिएट इट डीकंपोज पोटेशियम क्लोरेट टू फॉर्म ऑक्सीजन. जब ये बर्न होता है तो ये डीकंपोज करता है पोटेशियम क्लोरेट को. पोटेशियम क्लोरेट को क्या करता है, डीकंपोज कर देता है टू फॉर्म ऑक्सीजन एंड राइजेस द टेम्परेचर ऑक्सीजन को फॉर्म करने के लिए. और क्या करता है, ये क्या करता है टेम्परेचर को राइज करने के लिए. ऑफ सल्फर टू इट्स इग्निशन, ऑफ सल्फर टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर द मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन इन गन पाउडर सडनली बर्न्स टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस एंड प्रोड्यूस साउंड लाइट एंड हीट एंड एनर्जी. तो क्या होता है, जो सल्फर का मिक्सचर होता है और कार्बन का जो मिक्सचर होता है सडनली ये बर्न कर देता है टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस, लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस को एंड प्रोड्यूस साउंड लाइट एंड हीट. और क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड लाइट एंड हीट. ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड लाइट हीट एंड एनर्जी को. तो ये एक तरीके से होता है एक्सप्लोसिव कंबशन. इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो जो पोटेशियम क्लोरेट टू फॉर्म ऑक्सीजन एंड राइजेस द टेम्परेचर ऑफ सल्फर. तो क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है सल्फर का टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर दस द मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सल्फर का जो मिक्सचर होता है और कार्बन का वो सडनली क्या होता है बर्न होने लग जाता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस को प्रोड्यूस करने के लिए. और ये क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड एनर्जी और हीट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, ये होता है एक्सप्लोसिव कंबशन. आगे देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, द फिनोमेनन ड्यू टू विच हीट इज ट्रैप्ड इन एटमोसफेयर. इसमें क्या होती है, हीट जो होती है वो ट्रैप्ड होती है एटमोसफेयर में बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का सच दैट इट लीड टू मेल्टिंग पोलर आइस कैप्स एंड चेंजेस इन वेदर पैटर्न इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग. द फिनोमेनल चेंज ड्यू टू द हीट द फिनोमेनल चेंज ड्यू टू द हीट इज ट्रैप्ड जो कि ट्रैप्ड होता है इन द एटमोसफेयर एटमोसफेयर में बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एटमोसफेयर के अंदर क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है सच दैट इट लीड्स टू मेल्टिंग पोलर आइस कैप सच दैट उसी प्रकार से जैसे ये मेल्ट कर देता है पोलर आइस कैप को एंड चेंज कर देता है वेदर पैटर्न को, उसको क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है. बिकॉज जो ये फिनोमेनन होता है विच इज ट्रैप्ड जो कि ट्रैप होता है एटमोसफेयर में बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ, क्योंकि क्या होता है हमारे जो एनवायरमेंट के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो क्या करता है, इसके वजह से क्या होता है आइस कैप्स जो होते हैं मेल्ट पोलर आइस कैप्स होते हैं मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं वेदर में चेंज आने लग जाता है. वो सब किसकी वजह से होता है, जस्ट बिकॉज हमारा जो फिनोमेनन है जिसके कारण हीट ट्रैप्ड हो रही है एटमोसफेयर में वो ये सारी चीजें करवाता है. और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग. आगे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय मोस्ट फ्यूल्स ड्यूरिंग इज कॉजिंग एन इम्बैलेंस इन द एटमोसफेयर. कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है रिलीज होती है बाय मोस्ट फ्यूल्स, बहुत सारे फ्यूल्स होते हैं जिनसे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. ड्यूरिंग इज कॉजिंग इन एन इम्बैलेंस इन द एटमोसफेयर. क्या होता है, एटमोसफेयर में जब भी इम्बैलेंस होता है तो उसके वजह में उसके कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बहुत सारे फ्यूल्स में से निकलती है. जब इम्बैलेंस होता है एटमोसफेयर में डिफॉरेस्टेशन इज आल्सो लीडिंग टू द सिचुएशन वेयर देयर आर फ्यूअर ट्रीज टू अब्सॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड. डिफॉरेस्टेशन भी होता है, ये क्या करता है लीड करता है टू अ सिचुएशन, एक सिचुएशन की तरफ ले जाता है जहाँ पे क्या होता है देयर आर फ्यूअर ट्रीज टू अब्सॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड. जहाँ पे क्या होता है बहुत ही कम जो है प्लांट्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर पाते हैं, तो हमारी जो एटमोसफेयर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जाता है. ठीक है, बिकॉज इसका मेन रीजन होता है एक तो हमारे एटमोसफेयर के अंदर इम्बैलेंस होता है और एक क्या होता है डिफॉरेस्टेशन होता है. डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जब फॉरेस्ट जो है उनको काट दिया जाता है तो वो होता है डिफॉरेस्टेशन. तो जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो
कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करेगा, और वो क्या है एटमोसफियर के अंदर ही अंदर, एटमोसफियर के अंदर चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा जो एटमोसफियर है उसमें बहुत सारा पॉल्यूशन होगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, किस तरफ ले जाता है, लीड करता है ग्लोबल वार्मिंग की तरफ, ठीक है। दिस इज लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग, ये क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ लीड करता है, बिकॉज ऑफ डीजल, बर्निंग ऑफ डीजल एंड कोल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जैसे ही डीजल होता है और कोल होता है, ये क्या रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। बर्निंग ऑफ द डीजल, डीजल का बर्न होना एंड कोल, ये क्या रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस, हूज कोरोसिव इन नेचर एंड क्योर इरिटेशन इन नोज थ्रोट एंड ईयर। उससे क्या होता है, ये कैसे कोरोसिव होते हैं हमारे नेचर में, और ये क्या करते हैं, इरिटेशन थ्रोट नाक गले में इरिटेशन एंड एयर वे। सो जो हमारा एयर होता है, हमारी जो प्रॉपर ऑक्सीजन एयर जो हमारे अंदर जाती है उस वे को ये खराब कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, हार्मफुल होता है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं हमारे एयर के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। दीज सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड डिजॉल्व इन रेन, ये क्या होता है, डिजॉल्व हो जाते हैं रेन में, विच क्योर्स द, और क्या होता है, फॉर्म करते हैं एसिड्स को, और क्या होता है, क्योर्स को बनता है। रेन किसका क्योर्स होता है, एसिड रेन, एसिड रेन जो होती है वो भी एटमोसफियर के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है, बिकॉज एसिड रेन जो होती है वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्योर्स करते हैं, और जब ये क्योर्स करते हैं तो इससे क्या हमारी जो क्रॉप्स होती हैं उनको भी हार्म होता है कहीं ना कहीं, तो इससे फार्मर्स को भी नुकसान पहुंचता है, हमारे एटमोसफेयर को भी नुकसान पहुंचता है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो होती है ये दोनों गैसें, इससे क्या होता है हमारा, जैसे इसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि जो ताजमहल है वो पीला हो रहा है बिकॉज ऑफ एसिड रेन, क्योंकि वहाँ पे क्या बहुत सारे कारखाने हैं, उनमें से जब ऐसी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटरी गैसेस निकलती हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैसें जब उनके अंदर से निकलती हैं, तो वो जो गैस होती हैं वो क्या क्योर्स करती हैं, वो इन सब के ऑक्साइड बनाती है, ये ऑक्साइड हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, और जब ये हमारे एयर में मिल जाते हैं तो पॉल्यूशन करते हैं, और इसका क्योर्स होता है एसिड रेन का, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, ग्लोबल वार्मिंग इज द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोसफियर विच कॉज द मेल्टिंग डाउन ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स जो होते हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग इज द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोसफियर। अर्थ का जो एटमोसफियर होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या, टेम्परेचर को राइज कर रही है, कंटिन्यूसली राइज कर रही है ऑफ द अर्थ एटमोसफियर। अर्थ का जो एटमोसफियर होता है उसमें जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कंटिन्यूसली राइज कर रही है टेम्परेचर को, विच क्योर्स द मेल्टिंग डाउन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और मेकिंग द सी लेवल राइजेस एंड क्योरिंग फ्लूड्स इन कोस्टल एरियाज, मेकिंग द सी लेवल्स, जो सी लेवल है वो क्या हो रहा है, वो राइज हो रहा है, ठीक है, सी लेवल राइज हो रहा है एंड क्योरिंग फ्लूड्स इन कोस्टल एरियाज, और कोस्टल एरियाज में कंटिन्यूसली जो क्योर फ्लूड्स है वो भी कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो इस वजह से क्या है, हमारे एटमोसफेयर का टेम्परेचर राइज हो रहा है, प्लस ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तो इस पूरी तरीके से एक तरीके से हो ही रहा है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारे के सारे ही क्योर्स किसके हैं, ग्लोबल वार्मिंग के। सब क्यों हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लोबल वार्मिंग इसका एक मेन रीजन है। ग्लोबल वार्मिंग काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपसे पूछा जाएगा, तो ग्लोबल वार्मिंग का आपको ध्यान रखना है कि जब भी एयर का टेम्परेचर इधर उधर हो रहा होता है, बैलेंस नहीं होता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही टेम्परेचर राइज हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही CO2 जो है उसका लेवल भी बढ़ रहा है, प्लस ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, फ्लूड्स जो है कंटिन्यूअसली क्योर्स हो रहा है फ्लूड का, तो ये सारे ग्लोबल वार्मिंग के क्योर्स। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, क्योंकि एक तो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है बहुत सारे फ्यूल से, तो ये सारे के सारे जो है ग्लोबल वार्मिंग को क्योर्स करते हैं, इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है, नेक्स्ट क्लास में आगे हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, तब तक आप इन सारे टर्म्स को अच्छे से लर्न करोगे, प्लस मैं आपको PDF नोट्स भेजूंगी, आप उसको पढ़ के इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करोगे।